बार फिर रुक कर लेते हैं बाकी की खबरों की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद भी हूं और मैं आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से, मैं कोविड पॉजिटिव होने के बाद 15 दिन के बाद मैं निगेटिव हुआ हूं, अभी क्वारंटीन में हूं। और इस दौरान जो लोगों की जितनी सेवा, जिनकी जरूरतें हैं, वो अपने लोगों के द्वारा कर भी रहा हूं। लेकिन ये मैं आप सभी से अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं कोविड के दौरान खुद झेला हूं और उसको कैसे जीता हूं या जीत रहा हूं, अभी क्वारंटीन में झेल रहा हूं। तो मैं आप सभी से, सभी लोग सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन के लिए परेशान है, कोई दवाई के लिए परेशान है, कोई बेड के लिए परेशान है, कई लोगों के अपने चले गए हैं, बहुत दर्दनाक कहानियां भी हैं। लेकिन हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर आप किसी कोविड पेशेंट को हेल्प करना चाहते हैं तो पहला काम करें, उसको कोई निगेटिव न्यूज न दें। कौन चला गया, कौन कैसे गया, ये उसको न बताएं, उसको अच्छे अच्छे समाचार बताएं, उसको खुशी की बातें बताएं, उनको रिकवरी की बातें बताएं। इतने लोग आज रिकवर कर गए, ये अब अच्छा हो रहा है, रिकवरी रिपोर्ट का अच्छा रिपोर्ट है, लोग कोविड के बाद भी सुरक्षित होकर निकल रहे हैं, तो उसको आत्मबल मिलेगा। अदरवाइज उसको निगेटिव समाचार और भी मार देगा। दूसरी बात, जब आप किसी कोविड पेशेंट को हेल्प करना चाहते हैं, या अगर जो सुन रहे हैं उसमें भी कोई कोविड पेशेंट हो, मैं 3-4 चीजें आप सबको बताना चाहता हूं। पहला, भाप जरूर लेना है। भाप के लिए अगर भाप की मशीन हो तो ठीक बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने घर में चूल्हे पे पानी गर्म किया, पतीला में उसको एक टॉवेल से ढका और उतारने के बाद, और फिर टॉवेल में मुंह लगा करके, भाप लेने में आपको आलस्य होगा, आपको तरह तरह की मन होगी कि यार लो ना लो, जरूर लीजिए। क्योंकि अगर सैनिटाइजर से हम हाथ साफ करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो फेफड़े का सैनिटाइजर भाप है मेरे दोस्तों, भाप है मेरे दोस्तों, स्टीम है। और स्टीम भी लेने का तरीका है, उसको ये देख लीजिए कि मुंह न जल जाए, इतना रहे, लेकिन अच्छा हीट पे जो बर्दाश्त कर सकें, 10 बार मुंह से लें, नाक से छोड़ें, और 10 बार नाक से लें, मुंह से छोड़ें। ये अगर आपने दिन में 2 बार कर लिया तो बाकी सब दवाइयां एक तरफ, ये इलाज एक तरफ, 5-6 दिन में आपको आराम हो जाएगा। जिनको नहीं हुआ है वो भी ऐसा कर सकते हैं, समझता हूं कि कोविड होगा ही नहीं। दूसरी चीज, हमें प्राणायाम जरूर करना है। पालथी मार के बैठ जाइए और 4 चीजें करिए, सांस खींच के छाती में फुलाना, फिर छोड़ देना, ऐसे। और ये 10-10 बार करिए, सांस खींच के ओम का उच्चारण का, जितना आप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मत परेशान होइए। तीसरी चीज, कपाल भाती, पालथी मार, मैं सोफे पे बैठा हूं, कपाल भाती, ये आप जब करेंगे तो किसी का एक बार में 6-7 बार होता है, आप इसको 20-25 बार कर सकते हैं, बहुत श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। और एक ये सिस्टम, एक नाक से दूसरे से छोड़ना, और फिर जिससे छोड़ना उसी से लेना, आराम से लीजिए और फिर आराम से जाने दीजिए। मतलब लीजिए आराम से, थोड़ा ठहरिए, फिर छोड़िए, फिर ठहरिए, फिर लीजिए।
इसको अनुलोम विलोम कहते हैं, ये बहुत फायदेमंद है। और अगर सुबह कर सके तो नथिंग लाइक दैट। तो मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ थोड़ा सा एक आसन आता है जो आप लेट जाते हैं पेट के बल और ऐसे रख के और फिर आप ऐसे उठते हैं ना, वो वाला, वो भी आप 10 बार कर लीजिए, 15 बार कर लीजिए, अपनी क्षमता भर इंजॉय करिए आनंद में। और हमेशा कोशिश करिए जब आप सोते हैं तो ऐसे नहीं सोना है, सोते समय ऐसे सोइए। अगर मान ले किसी को ऑक्सीजन की जरूरत इतनी पड़ गई कि लग ही रही है तो भी ये पोजीशन पूरा पैर फैला के ऐसे करिए। और अगर ऐसे सो सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। ये मैंने किया और मैं बताऊं आपको, मुझे बहुत सारी दवाइयां नहीं खानी पड़ी, जबकि मैं 4 दिन बहुत सीरियस था, बहुत, मतलब वो एक्सपीरियंस में क्या बताऊं, मतलब बस लग रहा था कि, क्योंकि मुझे बहुत सारी गलत न्यूज आ रही थी ना, तो लग रहा था अगला नंबर मेरा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और इसके अलावे जिंक विटामिन है, विटामिन सी है, ये जरूर लीजिए। और इम्यूनिटी बूस्टर, आपका इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है, आयुर्वेद है, आप देखिए हम लोग फिर आयुर्वेद पे गए हैं ना, कुछ ना उसमें सत्य है, वही चीजें आज ले रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वैक्सीन भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर मतलब रोगों से लड़ने की अपने शरीर की क्षमता। तो मैं ये सब आपसे शेयर करना चाहता था क्योंकि पैनिक नहीं होना है, घर में भी हो गया आप इसका इलाज है, पैनिक होने में समस्या बढ़ती है, घटती नहीं है। और उसके अलावे जो भी बातें हैं तो आप कोई ना कोई हमारा प्रतिनिधि होगा आपके आसपास, नहीं तो आप हमें बताएं, हम लोग समस्याओं का निदान करेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर में एक काढ़ा तो बहुत ही अच्छा है, और जो आप खाना भी खाइए तो वो आप देख लीजिए कौन पौष्टिक खाना है, आप किसी से बात भी कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, पौष्टिक आहार लेना है। और सावधानी रखनी है पहले से, जिनको, जो लोग सावधान है, सतर्क हैं, उनका सबसे बड़ा सतर्कता है मास्क लगाना, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना यह संकट का समय है। और ये पीक आवर है, इस पीक आवर में आप 15-20 दिन, एक महीना बचा लेंगे तो फिर आगे बहुत अच्छा रहेगा। हमने फर्स्ट फेज में भी कोरोना को हराया है, ये दूसरा फेज है, इसमें थोड़ा सा नई नई बातें हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना है, सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। जो ऑक्सीजन की बीच में जो किल्लत हुई उसको भी सरकार ने पूरा कर लिया है, हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। वो हर स्तर पे, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना कहे काम करने में विश्वास रखते हैं। तो हम सबको ये अपनी सतर्कता रखनी है। और मैं चूंकि ये सारे अनुभवों से गुजर के आपसे ये बात कर रहा हूं, तो आप सब इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इतनी चीजें ध्यान देने से हम बहुत जल्दी कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मन में हमेशा अच्छा भाव लाइए, अच्छा मन, अच्छे विचार भी कोरोना को हराने में बहुत मददगार हो सकते हैं। तो मेरा मन कर रहा था कि ये सब बातें मैं वीडियो में शेयर करूं, तो मैंने आपसे किया, इसमें जो अच्छी बात लगे आप ले लीजिएगा। नमस्कार।